हमारे YouTube चैनल माई सी जी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ मैथ्स का सेकंड परसेंटेज का परसेंटेज और उसके एप्लीकेशन का पार्ट टू। मैंने पार्ट वन इससे पहले वीडियो बनाया है, आज ही मैं पार्ट टू बना रहा हूँ। इसमें मैं परसेंटेज से रिलेटेड दूसरे तरह की ट्रिक्स और दूसरे तरह के फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा। यहाँ मैं परसेंटेज वन में, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने परसेंटेज के पहले एप्लीकेशन के बारे में बात किया है। यहाँ मैं दूसरे टाइप के एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं अगर अभी मैं परसेंटेज का तीसरा वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके डायरेक्ट मेल में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि शक्कर की मूल्य में 25% की वृद्धि कीजिए, अगर मैंने शक्कर की प्राइस में 25% की इंक्रीज करता हूँ तो बताइए इसके खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए कि मासिक खर्च, महीने के जो खर्च आता है उसमें अंतर ना पड़े। ये क्वेश्चन भी आपको दिखा ही होगा, अगर आपने व्यापम या पीएससी का एग्जाम दिया है तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली दिखा होगा कि किसी कोई कोई इंसान है और कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसकी अगर मूल्य में 25% की वृद्धि मतलब बढ़ गया, अगर प्राइस में सुगर के प्राइस में 25% का इंक्रीज हुआ तो हमको उसका खपत कितना परसेंट कम करना होगा, तो उसका यूज मुझे कितना परसेंट कम करना होगा कि मासिक खर्च में कोई अंतर ना पड़े। ये क्वेश्चन आपको दिखता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बना था, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं बना था। फिर मैंने मेहनत किया तब मुझे मेरे से ये क्वेश्चन बना। उस टाइम मेरे को ये ट्रिक नहीं पता था। मैं भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक है कि कभी वैल्यू बढ़ रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है और तो हमको उसका वैल्यू कितना कम करना होगा, यूज में कितना कम करूं कि जो खर्च पहले मुझे पड़ता था वही खर्च आज भी पड़े। जैसे मुझे 100 रुपए पड़ता था पहले और इसकी वैल्यू बढ़ गई तो मैं उसका वैल्यू कितना घटा दूं, मैं पहले यूज 2 किलो करता था अब मैं यूज कितना कम करूं कि मुझे प्राइस फोकस हो ही पड़े। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि सुगर का प्राइस 25% बढ़ जा रहा है तो मुझे इसका यूज कितना परसेंट कम करना है ताकि मेरा जो महीने का खर्च आता है उसमें कोई अंतर ना पड़े। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आगामी परीक्षा है व्यापम की, जैसे RI का परीक्षा होने वाला है, संयोजक मंडल का परीक्षा होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसका भी ट्रिक देखते हैं, बहुत ही सरल ट्रिक है। इसमें आपको दिया क्या है ये पहले पता करिए। आपको दिया है कि वृद्धि हो रहा है, 25% की वृद्धि इंक्रीज दिया है तो आप याद रखिए आपको आई दिया हुआ है, इंक्रीज दिया है, और आपको डिक्रीज करना है कितने परसेंट की कमी करना है। तो उसका फॉर्मूला है डिक्रीज परसेंट या कमी परसेंट इक्वल टू आई मतलब इंक्रीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन आई प्लस 100। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसका भी, कमी परसेंट बराबर आई गुणा 100 बटे आई धन 100। ये आप फॉर्मूले याद रखिएगा। और आप सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में कि आपको दिया क्या है, वृद्धि दिया है या कमी दिया है, ये आप देखिएगा। तो यहाँ पर मुझे वृद्धि दिया है, हमारे क्वेश्चन में हमको हियर आई इज गिवन 25%, हमको आई दिया है, आई मतलब वृद्धि इंक्रीज, कितना आपको इंक्रीज है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 25% तो बढ़ गया, अब आपको कितना घटाना है डिक्रीज करना है। बस अब ये समझिए इंक्रीज दिया है या डिक्रीज दिया है, तो हमको डिक्रीज दिया था तो डिक्रीज कितना परसेंट हो जाएगा, तो उसको मैंने आई के प्लेस में क्या रखना है 25, तो रखिए 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25 प्लस 100। इसको सॉल्व करिए तो ये 25 धन 100 जुड़ के कितना हो जाएगा, 250 नहीं है ना, ये 25 है, 25 धन 100 तो ये हो जाएगा 125। अब काटिए इसको 25 से कम, 25 25 पंचे 125, इस तरह से कटेगा जो आप सिंपली काट लीजिएगा इसको, इसको कट करके सिंपलीफाई करना, 25 से कम 25, 25 पंचे 125। अब बचेगा क्या, 100/5, इसको भी आप सॉल्व करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0 इसका आंसर कितना है 25%। तो यहाँ पर 25% क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन में बोला है कि कितना परसेंट मैं यूजेस कितना कम करूं परसेंटेज में, कि इसका जो प्राइस मुझे पहले पड़ता था वही प्राइस अभी भी पड़े, तो इसका सही आंसर होगा 20%। आपको समझ में आया होगा, इसका सिंपल सा ट्रिक है, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आई प्लस 100। बहुत ही सरल सा ट्रिक है ये क्वेश्चन, आपको 100% इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर एप्लीकेशन परसेंटेज के एप्लीकेशन के सेक्शन में आपको दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राम की आय श्याम से 50% अधिक है, राम की आय क्या है, अधिक दिया है, कितना अधिक दिया है, 50% अधिक दिया है, तो श्याम की, तो
श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, ये भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, या तो वो सरप्राइज ऊपर होना कम होना दिखाई देगा जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा है, या तो ये आय, आय मतलब होता है इनकम, राम का इनकम श्याम की इनकम से 50% अधिक है, तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने परसेंट कम होगा ये हमको पता करना है। भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका भी ट्रिक सेम है, या भी हमको क्या दे दिया है इंक्रीज परसेंट दिया है, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में राम का आय अधिक है, अधिक मतलब इंक्रीज दिया है, हमको क्या दे दिया है इंक्रीज परसेंट दे दिया है, तो हमको क्या निकालना है कितना कम है, डिक्रीज निकालना है, सेम फॉर्मूला डिक्रीज परसेंट इज इक्वल, तो आपको समझ में आया ना हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि राम की आय 50% अधिक है, अधिक मतलब हमको इंक्रीज परसेंट दे दिया है, और हमको डिक्रीज कितना कम है, राम श्याम का आय राम से कितना कम है ये निकालना है, क्वेश्चन में दिया है कि राम की आय ज्यादा है 50%, तो पूछ रहा है श्याम की आय कितना कम है राम से परसेंटेज में, तो इसका भी सरल फॉर्मूला है, आई के प्लेस में आपको 50 रखना है, तो 50 गुणा 100 बटे 50 धन 100, इसको भी सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने से 100/3 आ जाएगा, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%, 33 33 1/3% इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है यदि आयत की लंबाई में, आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ में 30% की इंक्रीज की जाए, यदि अब लेंथ को क्या कर रहा हूं मैं 30% बढ़ा रहा हूं, तो बताइए इसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल प्रभावित ना हो, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैं लेंथ 30% बढ़ा रहा हूं तो ब्रेथ में कितना परसेंट कम करूंगा कि एरिया में कोई इफेक्ट ना हो, जैसे पहले एरिया अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो अभी भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिल रहा है, मतलब एरिया में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जो मैंने परसेंटेज वन का पहला वीडियो बनाया है, परसेंटेज वन, ये परसेंटेज टू है, परसेंटेज वन में बनाया है, वहां हमने इस तरह से क्वेश्चन किया था कि लंबाई को 30% बढ़ाया और चौड़ाई को 20% बढ़ाया, या को याद होगा आपने अगर वीडियो वन देखा होगा तो, वो क्वेश्चन का ट्रिक इसमें लगेगा नहीं क्योंकि वहां पर ओवरऑल एरिया बढ़ता था, यहाँ पर बोल रहा है कि एरिया कांस्टेंट है, एरिया में चेंज नहीं आया, अगर लंबाई 30% इंक्रीज किया हूँ तो चौड़ाई कितने परसेंट कम करूँ पूछ रहा है, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को कंपेयर करके देखिएगा, उसके फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला टोटली अलग है, क्योंकि वहां पर क्षेत्रफल बढ़ता था या कम होता था, यहाँ क्षेत्रफल ना बढ़ेगा ना घटेगा, यहाँ क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा क्षेत्रफल नहीं बढ़ने वाला, तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसमें भी आपको क्या बोल रहा है कि लंबाई में 30% की इंक्रीज वृद्धि की जाए, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी, डी परसेंट निकालना है, आई परसेंट दिया है आपको, मैंने अभी सिखाया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका भी सॉल्व करने का वही तरीका है, आपको आई कितना दिया है, आई दिया है 30%, डी परसेंट कितना दिया है निकालना है हमको, तो वही फॉर्मूला 30 गुणा 100 अपॉन 30 धन 100, आप इसको सॉल्व करिए बहुत ही आसानी से इसका आंसर बन जाएगा, आपको ये बस पता करना होगा एग्जाम में क्वेश्चन देख के कि आपको दिया क्या है, वृद्धि दिया है कि कमी दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, तो हमको वृद्धि मतलब आई दिया है और हमको ये डी निकालना है, डी कितना है, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 30 गुणा 100 बटे 30 धन 100, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3000 बटे 130, 1000 कटा 300 बटे आप 13 करिए, 13 से 300 को भाग करिए तो 23 सही 1/13, 23 सही 1/13, 23 1/3 113 आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें यदि शक्कर की मूल्य में 20% की कमी की जाए, अब मैं क्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि शक्कर के प्राइस में 20% की कमी हो रहा है, यदि शक्कर के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो बताइए इसके यूजेस में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि मासिक खर्च में कोई अंतर ना पड़े, अब क्या हो रहा है शक्कर का प्राइस 20% कम हो रहा है, प्राइस घट रहा है, प्राइस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना वृद्धि की जाए, यूजेस कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए, देखिए यहाँ लिखा है प्राइस घट रहा है और हमको यूजेस बढ़ाना है कि मासिक खर्च में कोई अंतर ना पड़े, तो इसमें आपको क्या दिया है डिक्रीज दे दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है डिक्रीज परसेंट दिया है 20%, इसका फॉर्मूला हो जाता है आई परसेंट इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको डिक्रीज दिया है, इससे पहले क्वेश्चन में आपको इंक्रीज दिया था, यहाँ फॉर्मूला हल्का सा चेंज है, अब यहाँ पर 100 में डी घटा देना है और
कुछ नहीं करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप 100+ I करते थे, आपको यहाँ डी निकालना होता था और आपको आई दिया होता था, तो आप 100+ I करते थे। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है, जब भी इंक्रीज होगा तो आपको डिक्रीज डिनोमिनेटर में, तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, डिक्रीज परसेंट दिया है, आपको इंक्रीज परसेंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होगा डी मल्टीप्लाई 100/100 - d। तो फॉर्मूला देखिए, आई परसेंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100/100 - 20। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 20 × 100/80। तो ये 0 0 कट गया, बाकी इसको आप सॉल्व करिए तो आंसर 25% आपका आ जाएगा। तो आपको आई इंक्रीज कितना करना होगा, 25%। सबकर का प्राइस कितना कम हुआ था, 20% कम ही हुआ था, तो हमको इसका यूजेस 25% बढ़ाना होगा। आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि 20% प्राइस कम हुआ है तो इसका यूज में 20% बढ़ा दूं तो बैलेंस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं, 20% कम हुआ है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ा, 25%। इसलिए आपके ऑप्शन में 20% तो होगा ही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि राम की आय श्याम से 80% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक होगा। अभी हमने इससे क्वेश्चन देखा था इससे पहले, जिसमें था कि राम की आय श्याम की आय से ज्यादा हुआ करता था, तो अब पूछा जाता था कितना परसेंट कम है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राम की आय श्याम की आय से, राम का इनकम श्याम के इनकम से 80% कम है, तो श्याम की आय, श्याम का इनकम राम की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी हम आपको डिक्रीज परसेंट दिया है और बोलता है इंक्रीज परसेंट निकालिए। डिक्रीज परसेंट दिया है और इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो इसका आंसर भी आप वैसे सेम ट्रिक से निकालिएगा, मैंने सिखाया है इससे पहले क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, तो उससे आप सॉल्व करिएगा, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसका आंसर 400% आएगा। सेम फॉर्मूला इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था कि आई परसेंट इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 100/100 - d था, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करिए और उससे आपका आंसर आ जाएगा। वहां पर आपको लिखना होगा डी डी कितना दिया था, 80%, 80% कम है तो उसका आंसर कितना आएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा सेम फॉर्मूले से, आप सॉल्व करिए, डी के प्लेस में लिखिए 80 और इसको सॉल्व करिए, तो आपका आंसर 400% आ जाएगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।